दोस्तों आज का टॉपिक हमारा APFCR कैपेसिटर पैनल के ऊपर है, मतलब ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। तो अब इस कैपेसिटर पैनल में क्या क्या चीजें होती है और वो कैसे वर्क करती है वो मैं आपको अभी बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों सबसे पहली चीज इसके अंदर एक ही रिले लगी होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, यही है जो है सारे का सारा करता धरता। इपॉस कंपनी की यह पावर फैक्टर रिले है, इसको जो बोलते हैं दोस्तों APFCR, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। आर का मतलब लास्ट में रिले हो जाता है, तो APFCR बोलते हैं इसको। तो दोस्तों ये ही काम करती है हमारे जितने भी अंदर कैपेसिटर लगे होते हैं, उन कैपेसिटर का काम क्या होता है, जैसे हमारा जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री का हमारा पावर फैक्टर अगर 0.8 है या फिर 0.9 है या कोई भी पावर फैक्टर है, तो उसको मेरे को अच्छा करना है, बेटर करना है, ताकि मेरे जो है मेरे को फाइन ना भरना पड़े। क्योंकि दोस्तों हमारा पावर फैक्टर अगर लो है तो हमको क्या फाइन भरना पड़ता है। तो यही है APFCR रिले, ये ऑटोमेटिक सेंस करती है, ये ऑटोमेटिक सेंस नहीं करती, ये इसको सेंस कैसे करती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये सेंस करती है दोस्तों हमारे जो बसबार होती है, इस बसबार से, जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये हमारी बसबार है, इस बसबार से CT और PT के वायर इस APFCR रिले में पीछे जाके लगते हैं, फिर बाद में वो हमारा सेंस करती है कि आखिर हमारा पावर फैक्टर सही है या खराब है। अब पावर फैक्टर कैसे पता चलता है इसको, आपको पता है किसी भी एक वायर में से करंट भी फ्लो करता है और वोल्टेज भी फ्लो करता है, जैसे ये रेड फेस है, ये येलो फेस और ये ब्लू फेस है, तो इस वायर में, इस बसबार के अंदर से करंट भी फ्लो कर रहा है और वोल्टेज भी फ्लो कर रहा है, आपको पता है। तो दोस्तों वो जो वोल्टेज और करंट है उन दोनों के बीच में, वो दोनों क्या दोस्तों साथ साथ चलने चाहिए, उसकी क्या एक वेवफॉर्म होती है, वो वेवफॉर्म अगर साथ साथ चल रही है तो हमारा पावर फैक्टर बिल्कुल सही है, पर उसमें क्या डिस्टरबेंस आ जाता है, वो हमारी वेवफॉर्म जो है गड़बड़ा जाती है, तो वो गड़बड़ा जाती है वो इसको मेजर करता है कि हमारा वोल्टेज को भी सेंस करता है और करंट को भी सेंस करता है कि हमारा APFCR रिले कि हमारी जो है वो वेवफॉर्म सही है या गलत है, और वो वेवफॉर्म में जितना अंतर बढ़ता है वही अंतर हमारा APFCR रिले सेंस करके हमारे कैपेसिटर ऑन करती है। अब जैसे हमारे पैनल है, तो इस पैनल के अंदर हमारे कुल ये कैपेसिटर लग रहे हैं, तो ये कैपेसिटर के कुछ बटन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे 6 इधर है, तो हमारे इस पैनल के अंदर 12 कैपेसिटर लग रहे हैं। तो 12 कैपेसिटर का मतलब इसके अंदर पीछे हमारे 12 कैपेसिटर होंगे, ठीक है, वो सब मैं आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर जो है यहाँ पे एक अलार्म लग रहा है, यहाँ पे एक इमरजेंसी बटन है, कभी हम इमरजेंसी में कुछ भी कारणवश, जैसे इसके अंदर कैपेसिटर पैनल में दोस्तों आपने देखा होगा बहुत बार कॉन्टेक्टर ब्लास्ट होता है, बहुत केस आते हैं, तो उस समय हम क्या इमरजेंसी में इमरजेंसी लगा सकते हैं। अभी ये कैपेसिटर पैनल बंद है, हम पूरी तरीके से सेफ है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक MCCB है, इस MCCB के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना रखा है, मैंने CT के ऊपर डिटेल वीडियो बना रखा है, PT के ऊपर डिटेल वीडियो बना रखा है, सबके ऊपर एक एक डिटेल वीडियो बना रखा है, इस APFCR के ऊपर बाकी है। तो अगर आपकी डिमांड रहेगी तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों ये पैनल खुलने के बाद कुछ इस तरीके का दिखता है, और इस पैनल के अंदर आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे ये APFCR रिले का ये पीछे का पोर्शन है, और यहाँ पे ये पूरा है कॉन्टेक्टर MCB लग रही है, ठीक है। अब ये कॉन्टेक्टर MCB किस कारण से लग रही है वो मैं आपको देता हूँ। अब जैसे इसको बंद चालू करना बता देता हूँ, तो दोस्तों कहीं कहीं पैनल के अंदर क्या होता है, ये ऑटो होता है और ओनली मैनुअल होता है, पर यहाँ पे हमारे सिस्टम अलग है, यहाँ पे सिस्टम के अंदर ऐसा है जैसे बीच में हो जाएगा तो ये ऑफ है, इधर मैनुअल कर देंगे तो डायरेक्ट ऑन हो जाएगा, पर कहीं कहीं पे होता है या तो आप ऑटो करो फिर मैनुअल करो फिर मैनुअल के बाद में बंद चालू का बटन होता है, हो सकता है कि आपकी इंडस्ट्री में मैनुअल करने के बाद बंद चालू का बटन हो, पर दोस्तों यहाँ पे हमारा ऐसा सिस्टम है, हमने ऑफ कर रखा है, हम जैसे मैनुअल करेंगे हमारा कैपेसिटर ऑन हो जाएगा, और हम ऑटो में डाल देंगे तो ऑटो में डालने के बाद हमारी रिले, हमारी ऊपर वाली रिले इपकॉस की BR6000, ये हमारे मैनुअल इसको ऑन कराएगी। इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, इसको कैसे सेट करते हैं, अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आपका कोई भी सवाल रहता है इलेक्ट्रिकल से जुड़ा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कीजिए, मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हमारे जो कॉन्टेक्टर लग रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 12 हमारे कैपेसिटर है, तो 12 कॉन्टेक्टर होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और नीचे है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब दोस्तों आपको देख रहा होगा कि यहाँ पे एक ये अलग ही रेजिस्टेंस लग रहा है, ये रेजिस्टेंस का क्या काम है, ये रेजिस्टेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों हमारे कैपेसिटर जो होता है ना, कैपेसिटर बहुत हैवी ड्यूटी करंट कंजप्शन करते हैं, तो ये जो कॉन्टेक्टर कहलाते हैं, इस कॉन्टेक्टर का जो नाम होता है ये भी यही होता हैवी ड्यूटी कैपेसिटर कॉन्टेक्टर। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगी जो कि कैपेसिटर में कौन सा कॉन्टेक्टर लगता है, तो आप उसको बोल सकते हो कि हैवी ड्यूटी कैपेसिटर कॉन्टेक्टर लगता है। अब दोस्तों इसके अलावा जो हमारे ये APFCR रिले, इसके यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊं, तो इसके अंदर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें 12 है, 12 कैपेसिटर लग रहा है, तो यहाँ पे जो रिले है ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं कोशिश करूं आपको दिखाने की, तो यहाँ पे दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हमारे 12 वायर यहाँ से निकल रहे हैं, और ये 12 वायर यानी एक एक करके 6 वायर ऊपर, 7 वायर ऊपर दिख रहे हैं, एक कॉमन हो गया, ठीक है, और नीचे भी 6, एक कॉमन हो गया, इसी तरह दोस्तों यहाँ से 12 वायर निकल रहे हैं, और ये 12 वायर ऑटो के अंदर हमारे ये जो कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर में सप्लाई देता है, तो जैसे ही इस कॉन्टेक्टर में सप्लाई आती है हमारे ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है, और ये कॉन्टेक्टर का जो नीचे के 3 वायर है
ये आउटपुट वायर हमारा पीछे पीछे कैपेसिटर लग रहा है उसमें जाके लग जाता है। तो इस तरीके से हमारे कैपेसिटर काम करता है, ठीक है। तो अब दोस्तों आगे बात करते हैं, हमारे पीछे में आपको कैपेसिटर बताता हूँ। तो दोस्तों ये कैपेसिटर पीछे लग रहा है, और ये जो कैपेसिटर होता है, ये कैपेसिटर होता है पावर फैक्टर कंट्रोल के लिए। अब जैसे ये इपकॉस कंपनी का ही कैपेसिटर है हमारा, जिस कंपनी की रिले लग रही है, तो ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पे लिखा होता है कि कितने केवीआर का है। अगर आपको देखना है तो आप इस कैपेसिटर पे जाइएगा और यहाँ पे देखिएगा 415 वोल्टेज, यानी हमारे कितने वोल्टेज पे है, तो 415 वोल्टेज है। 415 वोल्टेज का कितना लिखा हुआ है, 22.2 केवीआर। अगर ये 440 वोल्टेज हम इसको देंगे तो ये 25 केवीआर का वर्क करेगा। अगर दोस्तों ये कितने केवीआर का हमको कैपेसिटर लगाना है, उसके ऊपर डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं आपको सजेशन में डाल दूंगा। आखिर हमारी जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के लिए मेरा पावर फैक्टर 0.8 है, तो मेरे को कितने केवीआर का कैपेसिटर लगाना है, और केवीआर से माइक्रो फैराड कैसे निकालते हैं, वो भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है। आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, मैंने पूरा कैपेसिटर के ऊपर, पावर फैक्टर के ऊपर वीडियो बना रखा है। ये ऊपर दोस्तों आपको एक अलग डिजाइन का कैपेसिटर दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। पर दोस्तों अभी यहाँ पे आपको देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैपेसिटर दिख रहा है, और उधर कुछ और कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है। इधर यहाँ पे कुछ अलग कैपेसिटर लगे हुए हैं, इस कैपेसिटर की साइज भी अलग है और इस कैपेसिटर का केवीआर भी अलग है। अब दोस्तों आपको एक और अलग डिजाइन का कैपेसिटर दिखाता हूँ, जो कि नीचे लग रहा है। ये भी एक कैपेसिटर है, पर दोस्तों ये बहुत पुराना है और इसकी डिजाइन अलग है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो के अंदर आपके कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपके कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति, आप इलेक्ट्रिकल से जुड़े, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।